सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपका नाम वी बी या यू से शुरू होता है तो आपकी वृषभ राशि है, और अगर आपकी वृषभ राशि आपका नाम इससे शुरू नहीं भी होता तो भी ये प्रेडिक्शन आपके लिए है, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 2022 वृषभ राशि वालों के लिए नई चुनौतियों के साथ नई खुशियां भी लेकर आया है। आपके करियर, शिक्षा, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव आएंगे। ग्रहों और गोचर के स्थान परिवर्तन के प्रभाव भी आपकी राशि पर पड़ेगा, तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि 2022 में बढ़िया रहेगा। आपके काम कम में प्रमोशन मिल सकता है, किसी ऊंचे पद पर आपको जगह मिल सकती है। इसके साथ ही वृषभ राशि के लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आपके मार्ग में व्यापार से लेकर आने वाले अवसर और सफलताएं मिल सकती हैं। दूसरों के विचारों और सलाहों को सुने, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये साल शुक्र की कृपा से रोमांस का लुत्फ़ उठाने का अच्छा मौका है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस साल आपको का सपना पूरा हो सकता है। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव के कारण आपके संबंधों में शांति और प्रेम बढ़ेगा। आपके काम को समय पर पूरा करने के लिए अपने कंटेंट का सही उपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति गुरु आपको अपने काम में सफलता पाने में पूरी मदद करेगा। मंगल के मदद से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप किसी नई हॉबी में व्यस्त रहेंगे। ये साल आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर वायरल संक्रमण और अपच जैसी समस्याएं आपको रह सकती हैं। लेकिन वृषभ राशि फल 2022 में लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके शादी के योग भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष काफ़ी शुभ है। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए घर पर संतान की किलकारियां गूंज सकती हैं। ये साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बात करें वृषभ राशि के करियर की, तो वृषभ राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से ये साल काफ़ी शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में खासकर उन्हें तरक्की मिल सकती है और अपने काम से लोगों के सामने अपनी पहचान भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, वृषभ राशि वालों के लोग जो है बिजनेस अगर चला रहे हैं तो उसमें भी उन्हें काफ़ी फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अच्छा समय है, उन्हें ऑफिस में तरक्की मिल सकती है। 13 अप्रैल के बाद आपको अपने बिजनेस में मिल रही इनकम में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले लोगों को चाहिए कि अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनसे रिश्ते अच्छे बनाए रखें और वरिष्ठों को अपने साथ लेकर चलें। उनके साथ और सपोर्ट से करियर की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। इसमें ऑफिस में काम करने से आपको मज़ा भी आएगा। ये साल जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। वृषभ राशि वालों को नई नौकरी मिलने की उम्मीद है। बात करें वृषभ राशि के आर्थिक पक्ष की, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष आर्थिक दृष्टि से अच्छी खबर से भरा हुआ है। इस वर्ष इनकम के नए स्रोत खुलेंगे, पुरानी रुकी हुई राहें भी इस वर्ष खुल सकती हैं। आप इस वर्ष कुल मिलाकर लग्जरी चीज़ें अपने लिए खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर नज़र डालें तो वृषभ राशि वाले ये साल अपने लिए घर, जमीन, गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही गहने आदि पर भी आप खर्च कर सकते हैं। ये आप निवेश के नज़रिए से भी करेंगे, यकीनन ये फायदे का सौदा है। ये वर्ष आपकी रुकी हुई पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी। पिछले वर्ष के मुकाबले वृषभ राशि वाले इस वर्ष ज़्यादा आय करेंगे। घर में फंक्शन हो सकता है जिससे आप काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। 13 अप्रैल के बाद वृषभ राशि वालों के लिए और भी समय अच्छा है, क्योंकि पुराना ऋण ये वर्ष आप चुकता कर पाएंगे। ये वर्ष आपके भाई या बहनों की शादी का योग है जिससे आप अपनी जेब से काफ़ी पैसे खर्च करेंगे। बात करें वृषभ राशि की शिक्षा की, तो वृषभ राशि वाले छात्रों को यह वर्ष उनके हित में ही दिखेगा। खासकर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। आपके सितारे ये इशारा कर रहे हैं कि यदि आपने सही मेहनत की तो परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वृषभ राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश लंबे समय से कर रहे थे उन्हें ये वर्ष नौकरी मिल सकती है। 13 अप्रैल के बाद छात्रों के लिए मानो किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जिन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने चाह रहे हैं उनकी पूरी होगी। वृषभ राशि वालों के लिए सितारों यही बताते हैं कि पढ़ाई
की ओर से ज़्यादा ध्यान दें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बात करें वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन की, तो वृषभ राशि वाले लोगों को ये साल की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफ़ी अच्छी रहेगी। घर में शांति का माहौल होगा, परिवार में आपसी प्यार और सम्मान बना रहेगा। इसके अलावा आपको परिवार के हर सदस्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके माता पिता भी आपके को पूरा सहयोग करेंगे। ये साल वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व के मानो निखार ही आ जाएगा, उनकी बातचीत में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और व्यवहार भी पहले से अच्छा नज़र आएगा। वृषभ राशि वालों को ये साल अपने प्यार में भी सफलता मिलने के योग हैं। आपके और आपके पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। लेकिन बच्चों की दृष्टि से ये वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सामान्य ही रहेगा। बच्चे अपनी मेहनत से ही अपनी ज़िंदगी में सफलता ला सकते हैं, मेहनत के अनुसार ही उन्हें अपनी की मंजिल मिलेगी। बात करें वृषभ राशि के वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष की, तो ये साल विवाहित जोड़ों के लिए अच्छा और यादगार रहेगा। ये साल उनके घर में पहली संतान की खुशी लेकर आएगा। इसके अलावा वृषभ राशि वालों की जिनकी संतान है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यदि आपकी संतान की उम्र शादी के योग्य है तो हो सकता है कि उनकी शादी हो जाए। वृषभ राशि वालों को ये साल प्यार मिल जाएगा, खासकर अप्रैल माह के बाद दूसरे सप्ताह में ये संभव हो पाएगा। जो लोग अब तक सिंगल हैं उन्हें अपने लिए योग्य पार्टनर मिल जाएगा। वृषभ राशि वालों को अब तक शादी के लिए सही पार्टनर की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश ये साल पूरी हो जाएगी। ये साल आपके शादी के योग बनते हैं। शादीशुदा जोड़े जो हैं उनके बीच में प्यार और भी गहरा हो जाएगा। हालाँकि वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों को थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये साल जो शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें शांति बनाए रखने ही हैं ताकि आपस में मतभेद ना बढ़े। बातचीत के दौरान अपने शब्दों का सही प्रयोग करें, हमेशा संयम से रहकर पार्टनर के साथ बातचीत करें। ऐसा ना करने पर आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, दरार आ सकती है। बात करें वृषभ राशि के हेल्थ की, तो 2022 में आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ खास नहीं जाएगा। साल भर रहकर आपके स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। इसमें आपको मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपके सितारे इतने सही जगह पर हैं कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद आप खुद को संभाल लेंगे। यदि वृषभ राशि वाले व्यक्ति पहले किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आए तो वर्ष 2022 आपके लिए अनुकूल है। यदि आपको कोई मौसमी बीमारी रही है तो ये वर्ष आपकी रिकवरी का रहेगा। आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए वृषभ राशि वाले लोगों को पूरी तरीके से शाकाहारी हो जाना चाहिए, इनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि आप ये साल भावनाओं को में उठापटक से गुजरेंगे, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखें ताकि भावनाओं में नियंत्रित कर सकें। ये साल आपको वायरल संक्रमण, अपच जैसी समस्या होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। आपका 2022 अच्छा बीते और बाधाएं दूर रहें, इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साल की शुरुआत में दुर्गा बीज मंत्र पहनें और दुर्गा कवच का पाठ करें। रोजाना राहु मंत्र का उच्चारण करें और राहु ग्रह के नाम पर दान करें। वैसे वृषभ राशि वाले ओपल रत्न पहनेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।